जोहार, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इन अनदर वीडियो। तो काफ़ी टाइम पहले मैंने ये रेसिपी देखी थी यूट्यूब पर और मुझे आज बनाने का मन हो रहा है। थैंकफुली सारे इंग्रेडिएंट्स घर पर हैं, काफ़ी सिंपल सी रेसिपी है। और आप ये वीडियो देखने के बाद बोलोगे, यार शायरन ये तो तुम मार्केट से भी लेकर आ सकती थी, बट इन हाथों का स्वाद उसमें नहीं आएगा। एंड कुकिंग इज़ ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट्स, तो जब तक कहीं जल ना जाए, यू नो, ख़राब ना हो जाए, तब तक पकाने का, कुकिंग का मज़ा ही नहीं आता। सॉरी, बिना बकवास के चलिए बनाते हैं। तो जो रेसिपी मैंने देखी थी उसमें उन्होंने बार बनाया था, पर मैं बार नहीं बनाऊंगी। और उसके लिए मैं ये ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी नट्स यूज़ कर सकते हो। तो मैंने ये चार चीज़ें ली हैं, मैं इनसे रोस्ट करूँगी, बट रेजिन में रोस्ट नहीं करूँगी। बाकी तीन चीज़ों को मैं रोस्ट कर लूँगी एंड देन आई विल चॉप इट। सो लेट्स रोस्ट दीज फर्स्ट। तो अब मैं करूँगी चॉकलेट मेल्ट। तो मैंने लिया है अमूल का डार्क चॉकलेट, आप चॉकलेट चिप्स भी यूज़ कर सकते हो। मैं इसे माइक्रोवेव करूँगी फॉर 30 सेकेंड्स, क्योंकि रेसिपी में 30 सेकेंड्स ही मेंशन किया गया था। अगर नहीं होता है तो मैं आगे 1 मिनट के लिए मैं रख सकती हूँ। और आप चाहे तो डबल बॉयलर भी यूज़ करके चॉकलेट मेल्ट कर सकते हो। तो 30 सेकेंड में मेरा काम नहीं बना, मुझे 1 मिनट ऐसे माइक्रोवेव करना पड़ा। और आप देख सकते हो कितना स्मूथ और ग्लॉसी ये दिख रहा है। एंड नाउ आई विल पुट द नट्स एंड मिक्स एवरीथिंग टुगेदर। तो मुझे बार बनाने का मन तो था, पर मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं जिसमें मैं इसे फिल कर पाऊँ। तो इसीलिए मैंने ये सिलिकॉन आइस ट्रे यूज़ किया है इस पर। और काफ़ी आपको ये प्रोसेस जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, सो दैट आपका जो चॉकलेट है वो लिक्विड फॉर्म में ही रहे, सॉलिडिफाई नहीं हो। तो मैं यहाँ स्पून के मदद से मैं जल्दी जल्दी ये अपने सारे आइस ट्रे फिल कर लूँगी। क्योंकि मैंने इसे आइस ट्रे में बनाया है तो मैं इसे टैप कर लूँगी टू रिमूव द एयर बबल एंड देन आई विल कीप इट इन द रेफ्रिजरेटर टू सेट फॉर अनदर 2 to 3 hours। और ये 2 से 3 घंटे में आराम से सेट हो जाएंगे। इसके ऊपर आप चॉप्ड नट्स डाल दो और फिर देखते हैं रिजल्ट। तो सेट होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। अब मैं इन्हें डीमोल्ड कर लूँगी। लुक एट द शेप। मुझे यही तो चाहिए था दोस्तों, लुक हाउ ब्यूटिफुल इट लुक्स। आप इसे अपने फ्रेंड के बर्थडे पे या फिर कोई भी फैमिली फंक्शन में अपने गेस्ट्स को सर्व कर सकते हो एंड आई एम श्योर दे लव इट। सो या, दिस इज हाउ इट लुक्स। शेप काफी प्यारे हैं, वो फोकस। सो अब टेस्ट करते हैं। तो ये है हमारे चॉकलेट क्यूब्स जो कि मैं खाऊंगी रात के 11 बजे। खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और अगर आपका स्मॉल बिजनेस है तो आप ये उसमें इंक्लूड कर सकते हो, या फिर अपने फ्रेंड्स को बर्थडे पे बना कर दे सकते हो, दे विल लव इट। चलो खाते हैं। इसमें कोई वाव मोमेंट होगा नहीं क्योंकि मैंने इसमें कुछ मेहनत करी नहीं है। ये 80-20 का
एफर्ट है 80%, फ्रिज ने काम किया है 20%, मेरी एफर्ट थी। तो या लेट्स ट्राई। मुझे डार्क चॉकलेट इस रीज़न से ही पसंद है क्योंकि इसमें जो किक आता है ना, एक्स्ट्रा डार्क कोकोआ। ओ गॉड, आप जब इसमें ड्राई फ्रूट्स डालोगे ना, नट्स डालोगे, तो रोस्ट करके डालना क्योंकि रोस्टेड नट्स का टेस्ट बिल्कुल अलग आता है। यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस एट होम, प्लीज गाइज, जरूर बनाना। नाउ लेट मी एंजॉय दिस। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंटिल देन, टेक केयर एंड स्टे सेफ। बाय बाय, गुड नाइट।